हेलो गाइस, मैं सर सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने पिछली वाली वीडियो में 9.4 को कंप्लीट कर लिया है। आज हम 9.5 की बात करते हैं, तो काफ़ी इजी लगने वाली है आपको ये। बस इसमें आपको बस सर्व समीका पता होना चाहिए। तो सर्व समीका को देखते हैं, चार सर्व समीका है हमारे पास में। यदि वो आपको आता है तो आप पूरी एक्सरसाइज को काफ़ी ईजिली कम्प्लीट कर लेते हैं। तो देखना, हम लेते हैं मानक सर्व समीका है हमारे पास चार है। जो पहली सर्व समीका होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, इसको हम कहते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि साइन प्लस माइनस का ही होगा, तो आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो प्लस का है तो प्लस का आगे कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड सर्व समीका होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस इतना सा डिफरेंट है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। नेक्स्ट जो सर्व समीका होती है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फोर्थ जो सर्व समीका होती है एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यदि आपको चारों सर्व समीका आता है तो आप पूरी एक्सरसाइज को काफ़ी इजीली कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम डायरेक्ट अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो देखते हैं क्वेश्चन को, इसको रफ कर देते हैं। ये आपको चारों पता होना चाहिए। देखना क्वेश्चन नंबर वन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में हमारे पास में 10 क्वेश्चन है दिया हुआ है। क्वेश्चन निम्नलिखित गुणसूत्रों में गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सर्व समीका का उपयोग कीजिए, ठीक है। तो देखना, फर्स्ट x प्लस थ्री एंड x प्लस थ्री, नेक्स्ट सेकंड 2y प्लस फाइव, 2y प्लस फाइव। हम चार चार क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, यहाँ पर 2a माइनस सेवन, 2a माइनस सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, 3a माइनस वन बाई टू, 3a माइनस वन बाई टू। देखना, हमने पिछली वाली वीडियो में ये भी पढ़ा है, यदि आधार समान होते तो खाते जुड़ जाती है। तो देखना, यहाँ आधार पूरा है, तो देखना ये क्या बन रहा है, x प्लस तीन का होल स्क्वायर। भाई एक एक प्लस कितनी होगी, दो। हम जानते हैं, अब यहाँ लिख देते हैं, हम जानते हैं सर्व समीका होती है हमारे पास में, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसमें लगा देंगे, ए की जगह क्या रखना है एक्स, और बी की जगह क्या रखना है तीन। तो देखना क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू ए का वन एक्स इंटू थ्री प्लस थ्री का होल स्क्वायर। देखना एक्स स्क्वायर प्लस के सिक्स, टू इंटू थ्री यानी सिक्स यानी छः, एक्स प्लस के तीन का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में, नौ। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें भी देखना आधार समान है, घाते जुड़ जाएगी, क्या बन जाएगा टू वाई प्लस फाइव का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वापस वही लगा देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सर्व समीका, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू टू वाई, बी की वैल्यू फाइव रख देते हैं, टू वाई का स्क्वायर प्लस टू इंटू टू वाई इंटू फाइव प्लस फाइव का स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू इंटू टू फोर, फोर को दो, को दो से करेंगे चार, चार को पाँच से करेंगे बीस वाई प्लस पाँच का स्क्वायर पच्चीस। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट करते हैं, अब देखना ये आधार समान है, घाते जुड़ जाएगी, 2a माइनस सेवन का होल स्क्वायर क्या बन गया, आप a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखना रख देते हैं मान, a का मान आपके पास 2a, b का मान 7, रख देते हैं 2a का स्क्वायर माइनस टू इंटू टू ए इंटू सेवन प्लस सेवन का स्क्वायर। यहाँ पर 2a का स्क्वायर यानी 4, a का स्क्वायर ए स्क्वायर,
माइनस चार, चार को सात से करोगे, सात चौक अट्ठाईस, अट्ठाईस ए प्लस सात का स्क्वायर कितना होता है, उनचास। ई आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी आधार समान है, दोनों सेम है, तो घाते जुड़ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, थ्री ए माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू थ्री ए, बी की वैल्यू वन बाई टू, रख देते हैं वैल्यू, थ्री ए का स्क्वायर माइनस टू इंटू थ्री ए मल्टीप्लाई बाय वन बाई टू प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। थ्री ए यानी थ्री का नाइन होगा, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस टू से टू कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, थ्री ए प्लस एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, एक बटे चार आंसर। ठीक है, काफ़ी इजीली हमने चार क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड को रफ कर देते हैं। बस सर्वसमी का पता होना चाहिए, बाकी तो बहुत ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव और सिक्स ले लेंगे यहाँ पर। क्या क्वेश्चन है हमारे पास में, 1.1 एम 0.4 एंड 1.1 एम प्लस 0.4। सिक्स वाला क्वेश्चन थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, काफ़ी छोटा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट सेवन, सिक्स एक्स माइनस सेवन और सिक्स एक्स प्लस सेवन। देखना तीनों क्वेश्चन देखते हैं हम, काफ़ी इजीली है। 1.1 एम माइनस 0.4 और 1.1 एम प्लस 0.4 आपने, हम जानते हैं सर्वसमी का पढ़ा था, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखना a की वैल्यू दोनों जगह सेम है, b की वैल्यू भी दोनों जगह सेम है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a का मान आपके पास कितना है 1.1 m और b का मान 0.4। रख देते हैं 1.1 m का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, सोल्व कर देते हैं। देखना 1.1 जैसे मैं पॉइंट हटा देता हूँ, भाई स्क्वायर पॉइंट का करेंगे तो टू डिजिट पे हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो देखना 121 लिख रहा हूँ मैं, लेकिन पॉइंट का भी स्क्वायर होगा ना, तो दो पॉइंट लग जाएंगे, तो यहाँ पर होगा पॉइंट 1 2 डिजिट, दो दशमलव को छोड़ के लगेगा पॉइंट, एम का स्क्वायर यानी एम स्क्वायर। इसको हल्का सा रफ करके ऐसे कर लेते हैं। नेक्स्ट देखना माइनस 0.4 का स्क्वायर, 4 का कितना होता है 16, तो 16 लिख देते हैं। अब देना पॉइंट का भी स्क्वायर होगा ना, तो दो दशमलव छोड़ने के बाद पॉइंट लगेगा, तो एक दो पॉइंट यानी 0.16 आंसर। क्लियर, इजीली समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखना, पहले मैं सबको इसको इजी बना लेता हूँ, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ माइनस का ना इसको पीछे लेके जा रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो समझना, ये भी देखना, इससे कंपेयर करके देखें, ए माइनस बी ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए का मान कितना है अपने पास में, बी स्क्वायर, और b का मान a स्क्वायर। रख देते हैं वैल्यू, रख दो, बस ये कंफ्यूजन में नहीं होना, क्योंकि फॉर्मूला ही है। ये क्या है हमारे पास फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में मान रख रहे हैं हम, आगे पीछे हो सकता है उसकी डिजिट उसने चेंज किया हुआ है क्वेश्चन ने, तो हमें कंफ्यूजन में नहीं आना, डायरेक्टली हम पुट करते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास में, a का स्क्वायर, a का मान क्या b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है a स्क्वायर का स्क्वायर। देखना जब घाते घाते कभी भी होती है ना, पावर जो होती है वो में से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, दो को दो से गुणा करेंगे माइनस ए को दो से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा बी की पावर चार माइनस ए की पावर चार आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी आप देखो ए माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान आपके पास कितना है सिक्स ए एक्स और बी का मान सेवन, रख देते हैं सिक्स एक्स का स्क्वायर माइनस सेवन का स्क्वायर। सिक्स एक्स का स्क्वायर, सिक्स का स्क्वायर कितना होता है छत्तीस, एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस उनचास, सात का कितना होता है उनचास, ये हमारा आंसर होगा।
नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन देखते हैं। इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमें दिया हुआ है, माइनस ए प्लस सी। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, एक्स बाय टू प्लस 3y/4, एक्स बाय टू प्लस 3y/4, और 10 दिया हुआ है, 7a माइनस 9b। देखना, अच्छे इजी क्वेश्चन है। देखना इसमें सबसे पहले आप इसको क्या कर दो, माइनस वाले को कैंडिडेट को पीछे निकाल देते हैं, तो c माइनस a लिख सकते हैं, इसको भी c माइनस a लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं ना, विद साइन किया है हमने। तो देखना आधार समान है, घाते जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, c माइनस a का होल स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। रख देते हैं, ए का मान क्या है अपने पास में, ए का मान सी है और बी का मान ए है। रख देते हैं, ए का मान सी का स्क्वायर माइनस 2 × c × a प्लस ए का स्क्वायर, सी का स्क्वायर माइनस 2ac + a² आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, देखना इसकी भी आधार समान है, देख लो इसका भी एक पावर, इसकी भी एक पावर, तो कितना हो जाएगा, 2 पावर हो जाएगी ना, तो x बाय 2 का प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a का मान हमारे पास में कितना है, x बाय 2, b का मान कितना है, 3y/4। रख देते हैं, x बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × a का मान x बाय 2, b का मान 3y/4 प्लस 4 है यहाँ पर 4, और 3y/4 का होल स्क्वायर। रख देते हैं, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का 2, 2 का 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 3xy/4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 y का स्क्वायर y² / 4 का स्क्वायर 16 यानी 16, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन दोनों क्वेश्चन में देखिए आधार समान है, घाते जुड़ जाएगी, क्या बन जाएगा, 7a - 9b का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर लग रहा है, a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b² रख देते हैं, a की वैल्यू आपके पास में कितना है, 7 है, b की वैल्यू 9b। रख देते हैं, 7a² - 2 × 7a · 9b + 9b² 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, a का स्क्वायर a² - 18 को 7 से 14 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 14 को 100 से करेंगे 126ab प्लस 9² = 81b² ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी इजीली हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये इजीली है, बस इसमें हमें सर्वसमीकरण पता रखना है। सर्वसमीकरण याद है ना, तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखना, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करने के लिए सर्वसमीका x + a (x + b) = x² + a + b (x + ab) का उपयोग कीजिए। तो हमें किसका उपयोग करना है वो लिख लेते हैं यहाँ पर, x + a (x + b) = x² + k (a + b) × x +
ए बी समी सर्व समीका का उपयोग करना है। इसमें ऑप्शन दिया क्वेश्चन है एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस सेवन, सेकेंड है फोर एक्स प्लस फाइव, फोर एक्स प्लस वन, थर्ड है हमारे पास में फोर एक्स माइनस फाइव, फोर एक्स माइनस वन, फोर्थ यहाँ पर ले लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है फोर एक्स माइनस फाइव, सॉरी ये वाला हमें थर्ड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है फोर एक्स प्लस के फाइव, फोर एक्स माइनस वन, यही है। अच्छा इसमें माइनस माइनस है, इसमें प्लस माइनस है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखना, तो एक्स प्लस फाइव वाई, तो एक्स प्लस थ्री वाई। क्वेश्चन नंबर सिक्स, टू ए स्क्वायर प्लस के नाइन, टू ए स्क्वायर प्लस के फाइव। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, एक्स वाई जेड, नीचे लिख रहा हूँ एक्स वाई जेड माइनस टू। देखना देखना क्वेश्चन नंबर वन में हमें प्रयोग में ये लेना है, तो आपको डायरेक्ट मैं बताऊंगा क्वेश्चन, हमने फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है उपयोग इसका करना है। तो ठीक है, तो इसमें देखना x का मान, मतलब पहला वाला जो डिजिट होगा वो x का होगा, तो देखना x की जगह रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस a का मान ये रहा, b का ये रहा, रख दो थ्री प्लस सेवन इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू सेवन, एक्स स्क्वायर प्लस के टेन एक्स प्लस के ट्वेंटी वन आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की, इसमें 4x इसका मान है, x का मान है दोनों में देख लो, प्लस 5 प्लस 1 इंटू फोर एक्स प्लस 5 इंटू वन, रख देते हैं 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर प्लस के 6, 6 इंटू फोर एक्स प्लस के 5, 16 एक्स स्क्वायर प्लस के 24x यानी 24 प्लस के 5। नेक्स्ट को देखते हैं, इसमें भी 4x क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर एक्स का मान है, तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यानी अब ए और प्लस बी का मान देखना, यहाँ माइनस में लिखा हुआ है ना, यहाँ प्लस में, तो हमें विद साइन लेके आना है, क्या लेना है विद साइन लेना है, तो माइनस के फाइव माइनस का वन मल्टीप्लाई बाय एक्स का वन फोर एक्स प्लस, देख लो दोनों माइनस में, तो माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय माइनस के वन, दोनों को वैसे लिखना है, फोर का यानी सिक्सटीन, एक्स का एक्स स्क्वायर ये एक्स है हमारा, प्लस माइनस का सिक्स गुणा फोर एक्स प्लस, माइनस माइनस क्यों जाता है प्लस, फाइव हो जाएगा, वन फाइव को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पाँच को एक से करेंगे पाँच ही आएगा, सोलह एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, छः को चार से करेंगे चौबीस एक्स प्लस के पाँच आंसर। नेक्स्ट करते हैं फोर, देखना एक्स का मान वही है, तो फोर एक्स स्क्वायर, फोर एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए बी का मान पाँच माइनस एक, एक्स का मान फोर एक्स प्लस पाँच गुणा माइनस वन। अब देखना फोर एक्स यानी सॉरी कितना, सोलह एक्स स्क्वायर प्लस चार इंटू चार एक्स, भाई पाँच में से एक गया चार, प्लस माइनस माइनस पाँच हो जाएगा, कितना हो जाएगा सोलह एक्स स्क्वायर प्लस के सोलह एक्स माइनस पाँच आंसर। चार चौक सोलह कर दिया हमने यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं इस वाले पार्ट की, तो इसमें भी देखिए 2x, 2x सेम पार्ट है आगे वाला पार्ट, तो 2x का स्क्वायर प्लस 5y प्लस के 3y इंटू 2x, भाई x का मान 2x है ना, प्लस 5y इंटू 3y, 2x का मतलब 4x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर इंटू टू एक्स प्लस 15y स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर प्लस के 8 दो 16 एक्स वाई स्क्वायर प्लस के 15y स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं, इसमें भी ये कॉमन पार्ट है x वाला, तो इसका मान कितना है 2a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 इंटू टू ए स्क्वायर प्लस के 9 इंटू 5, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर है ना, तो a इंटू टू इंटू टू हो जाएगा,
हमने बताया था आधा मतलब घाते क्या होती है, जुड़ती है घात की घात, प्लस 14 इंटू 2 ए स्क्वायर प्लस के 45, कितना हो जाएगा 4 ए की पावर 4 प्लस 28 ए स्क्वायर प्लस के 45, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट है, इसमें आपको दिख रहा है ये सेम है, तो एक्स वाई जेड का स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स वाई जेड प्लस माइनस 4 गुणा माइनस 2, एक्स वाई जेड का स्क्वायर माइनस, भाई ये माइनस में ऐड हो के प्लस से जब गुणा होगी कितना हो जाएगा माइनस का 6, एक्स वाई जेड माइनस माइनस प्लस ही रहेगा 8 आंसर। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को काफ़ी इजीली रूप में कंप्लीट कर लिया, बस हमने उसी फॉर्मूले में मान रखा है, फर्स्ट वाला मान सबका सेम है, देख लो सभी क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, सर्वसमिका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित वर्गों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित वर्गों को ज्ञात करना है सर्वसमिका का उपयोग करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमें दिया हुआ है b माइनस 7 का होल स्क्वायर, सेकंड जो दिया हुआ है x प्लस वाई एक्स वाई 3 जेड का होल स्क्वायर, थर्ड जो दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 2 by 3 m प्लस 3 by 2 n का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है 0.4 p माइनस 0.5 q का स्क्वायर, और क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया हुआ है 2xy प्लस 5y का स्क्वायर। देखना इन क्वेश्चनों में डायरेक्ट सर्वसमिका का फॉर्मूला लगाएंगे, देखना b माइनस 7 का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला लग रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, लगा देते हैं a का मान कितना है b, और b का मान 7 रख दो, b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू b इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, यानी b का स्क्वायर माइनस के 14 b प्लस के 49 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस तो a का मान कितना है एक्स वाई, और b का मान कितना है हमारे पास 3z, देखना रख देते हैं वापस a प्लस b का होल स्क्वायर लग रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर, देखना a और b का मान रख रहा हूँ मैं यहाँ पर, एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस के 2 इंटू एक्स वाई गुणा 3z प्लस के 3z का स्क्वायर, देखना तो इसका क्या बन जाएगा एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के 2 को 6 एक्स वाई जेड प्लस के 9z स्क्वायर, ये आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 6x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर है, तो a का मान हमारे पास 6x स्क्वायर है और b का मान हमारे पास 5y है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है ए स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस सॉरी प्लस का b स्क्वायर, a का मान रख देते हैं हम डायरेक्टली, a का मान 6x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 6x स्क्वायर गुणा 5y प्लस के 5y का स्क्वायर, देखना 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, स्क्वायर का स्क्वायर ना तो जुड़ जाएगी ना खाते हैं, क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितनी हो जाएगी x की घात 4 माइनस 2 12 12 5 60 एक्स स्क्वायर वाई प्लस के 25 वाई स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन में a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर, देखना a की वैल्यू 2 2/3 m और b की वैल्यू कितनी है 3/2 n, रख देते हैं मान 2/3 का 2/3
एम का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू 2 बटे 3 एम इंटू 3 बटे 2 एन प्लस के 3 बटे 2 एन का स्क्वायर। देखना 2 का कितना होता है 4, 3 का 9, एम स्क्वायर का एम स्क्वायर, एम का एम स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 एम एन प्लस के 9 4 एन स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखना पॉइंट में कंफ्यूजन नहीं होना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के बी स्क्वायर। a का मान कितना है 0.4p और b का मान कितना है हमारे पास 0.5p। सेफ क्यों रख देते हैं 0.4p का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.4p गुणा 0.5q प्लस 0.5q का स्क्वायर। देखना हमने पहले भी बताया था 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, लेकिन पॉइंट का भी स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर है तो 2 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस। देखना पहले तो पॉइंट से पॉइंट गुणा करेंगे तो 2 पॉइंट आएगा। जैसे ही 4 को पहले इसको इससे कर देते हैं 8 एक ही पॉइंट पर देगा 0.8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 पंजे 40 तो 0.40pq प्लस 25 का भाई 5 का स्क्वायर 25 होता है, पॉइंट का भी स्क्वायर होगा तो दशमलव यहाँ आ जाएगा क्यू स्क्वायर आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। a का मान हमारे पास 2xy है, b का मान है 5y। डायरेक्ट लिख रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, कई क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2xy का होल स्क्वायर प्लस के 2 इंटू 2xy इंटू 5y प्लस 5y का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस के 4, 4 को 5 से करेंगे 4 पंजे 20, x y स्क्वायर, y को y से करेंगे y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का 25 y स्क्वायर आंसर। ठीक है इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी इजीली कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 रफ कर लेते हैं सबसे पहले, इसको इजीली कंप्लीट हुआ होगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखना सरल कीजिए, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, सरल कीजिए, हमें बस सॉल्व करना है। सरल कीजिए, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन है 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखना एक्स स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर यानी क्या बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस का प्लस का बी स्क्वायर। ए का मान कितना है ए स्क्वायर, बी का मान बी स्क्वायर, रख देते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए की पावर 4 गुणा होती है इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के बी की पावर 4 आंसर। सरल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको देखना, इसको भी खोल देते हैं, इसको भी खोलते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखना ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। रख देते हैं मान 2x का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 2x इंटू 5 प्लस के 5 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2x का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2x इंटू 5 प्लस के 5 का स्क्वायर। देखना आप 4x स्क्वायर प्लस के 4 को 5 से करेंगे 5 चौक 20 एक्स प्लस के 25 माइनस 4x स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 20x प्लस का 25।
फोर एक्स स्क्वायर प्लस के बीस एक्स प्लस का 25, माइनस से गुणा होगा, माइनस का फोर एक्स स्क्वायर, फिर देखना कितना हो जाएगा, प्लस का बीस एक्स और माइनस का 25, देखना 4x प्लस का है माइनस का कैंसिल, 20x प्लस का ये भी प्लस का है 40x, 25 से 25 भी कैंसिल, आंसर कितना जाएगा 40x। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखना, क्वेश्चन नंबर 3 7m माइनस 8n का स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर ले लेते हैं, 4m प्लस 5n का स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4n का स्क्वायर। देखना ये भी काफी इजी है, इसको भी a माइनस b के होल स्क्वायर से वहीं पर लिखा हुआ है फॉर्मूला, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, उसी में मन पुट कर रहा हूँ। a का मान ये होगा, b का मान ये, a का मान ये, b का मान ये है। तो देखना 7m का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, लेकिन आपको हर क्वेश्चन में फॉर्मूले लिखने हैं, ठीक है, 7 2 इंटू 7m इंटू 8n प्लस 8n का स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस 7m का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू 7m इंटू 8n प्लस के 8n का स्क्वायर। देखना 49m स्क्वायर माइनस का 14, 14 8 112 mn प्लस के 64 n स्क्वायर प्लस के 49 m स्क्वायर प्लस के 112 mn प्लस 64 n स्क्वायर। देखना 49 mn, ये भी 49 m स्क्वायर, कितना हो जाएगा 98 m स्क्वायर, 112 mn प्लस के ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 64 n स्क्वायर प्लस 64 n स्क्वायर, कितना हो जाएगा 128 n स्क्वायर, 128 n स्क्वायर, ये आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, a प्लस बी दोनों में a प्लस बी का लग रहा है, तो देखना लगा देते हैं डायरेक्ट, 4m का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू 4m इंटू 5n, भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये वाला लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, प्लस के 5n का स्क्वायर प्लस 5m का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू 5m इंटू 4n प्लस के 4n का स्क्वायर। देखना खोल लेते हैं कितना हो जाएगा, 16m स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा 8, 8 पंचे 40 mn प्लस के 25 n स्क्वायर प्लस के 25 m स्क्वायर प्लस के 8, 8 पंचे 40 40 mn प्लस के 16 n स्क्वायर। देखना यहाँ 16 m स्क्वायर है, कहीं m स्क्वायर अदर भी आ रहा है क्या, 16 और 25 कितना हो जाएगा 41, भाई 31 41 m स्क्वायर प्लस के 40 mn 40 mn 80 mn 25 और 16 कितना वापस 41 n स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 है इसमें, सभी को रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन हमने कहाँ तक कर लिया, 5, 4 तक कर लिया, फिफ्थ है 2.5p माइनस 1.5q का स्क्वायर माइनस 1.5p माइनस 2.5q का स्क्वायर। देखना इसको भी a माइनस b, a माइनस b के होल स्क्वायर से खोल देते हैं, बस बीच में माइनस है इसलिए इसके साइन चेंज हो जाएंगे यदि आप कहें तो। तो देखना तो a का a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस के टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर रख देते हैं, ए की वैल्यू ये रही, बी की ये रही, फिर ये ए की अदर वाले के लिए और बी की अदर वाले के लिए। तो देखना 2.5 पी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2.5 पी गुणा 1.5 क्यू प्लस 1.5 पी का क्यू का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे इसको 1.5 पी, क्योंकि माइनस है ना, माइनस सारा सिस्टम चेंज कर देगा अंदर का, तो 1.5 पी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1.5 पी गुणा 2.5 क्यू प्लस 2.5 क्यू का स्क्वायर। देखना 25 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर पॉइंट दशमलव दो डिजिट पर लगा देंगे, क्योंकि स्क्वायर है ना, 25 का 625 दशमलव दो डिजिट पर पी का स्क्वायर माइनस 50, भाई इसको इससे गुणा करते हैं एक पॉइंट का, 25 को 50 एक पॉइंट पर लग जाएगा तो 5 हो जाएगा, फिर भाई जैसे ही 2.5 को 5 से गुणा करेंगे तो 50 आएगा, तो पॉइंट के बाद जीरो आता है तो कोई वैल्यू नहीं, तो मतलब 5 बनेगा, 5 को 15 से करेंगे 75 यानी 7.5 पी क्यू प्लस 15 का कितना होता है 225, पॉइंट एक डिजिट पर है, स्क्वायर होगा तो दो डिजिट पे चला जाएगा क्यू का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर 225 यानी 2.25 पी का स्क्वायर माइनस 15 भाई 25 50 50 को करेंगे 7.5 पी क्यू प्लस 625 क्यू का स्क्वायर कर देते हैं अपन, इसको रफ कर लेता हूँ 625 पी क्यू प्लस के 2.25 क्यू स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7.5 क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, फिर ये माइनस हो जाएगा 6.25 क्यू स्क्वायर। देख लेते हैं ये वाला पार्ट कहीं दिख रहा है आपको, पी स्क्वायर वाला, ये वाला देखना, इसमें 625 6.25 पी स्क्वायर में से 2.25 25 गया, तो यहाँ लिख लेते हैं 2.25 और 2.25 0 4 बचेगा, कितना आएगा 4 पी स्क्वायर माइनस, यहाँ देखना ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा ठीक है, प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस का बचेगा जो भी बचेगा, इधर तो प्लस का ज़्यादा था उधर माइनस का ज़्यादा है, देखना इसमें से ये जाएगा तो कितना बन जाएगा 4 क्यू स्क्वायर आंसर, क्योंकि सेम ही तो माइनस करना है, बस माइनस की क्वांटिटी बढ़ी तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हो जाएगा हमारा, बिल्कुल हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है सी का, क्वेश्चन नंबर 4 का ए प्लस ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी, ये है सोल्व तो करना है, देखना इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी 2 ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ए की वैल्यू आपके पास क्या है ए बी, बी की वैल्यू बी सी रख देते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू ए बी इंटू बी इंटू सी, सॉरी बी सी साथ में ना, तो बी सी प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी, ए बी यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 2 ए बी इंटू बी बी स्क्वायर सी प्लस के बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देखना 2 ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का है ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर आंसर, इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, दोनों में से बी स्क्वायर को मन आ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर ये भी हमारा आंसर होगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा काफ़ी इजी है, यहीं पर हो सकता है, यहीं पर कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एम स्क्वायर एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर प्लस 2 एम क्यूब एन स्क्वायर, देख लेते हैं, देखना ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए का मान एम स्क्वायर बी का मान एन स्क्वायर एम, तो देखना ए का मान एम स्क्वायर का स्क्वायर
माइनस टू इंटू एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर एम, फिर प्लस का बी का यानी एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस टू एम क्यूब एन स्क्वायर दिया हुआ है। तो एम स्क्वायर का स्क्वायर यानी एम की पावर फोर माइनस टू एम स्क्वायर और एम कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी, अदर से मानो तो घाते जुड़ जाती है, एन स्क्वायर प्लस का एन की पावर फोर और एम का स्क्वायर प्लस टू एम की पावर तीन एन स्क्वायर। देखना टू एम की पावर तीन एन स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, एम की पावर फोर प्लस के एन की पावर फोर एम स्क्वायर आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फोर भी कंप्लीट कर लिया इसका, इसको रफ कर देते हैं, काफी इजीली आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, दर्शाइए कि, इसमें दिया हुआ है दर्शाइए कि, ये दर्शाना है आपको, दो क्वेश्चन ले लेते हैं साथ में, 9p-5q प्लस 180 बराबर, ये बराबर होने चाहिए ये क्यू का स्क्वायर। देखना इजी क्वेश्चन है, इन दोनों को बराबर मतलब ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, इसका भी इसके बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले दोनों को करते हुए जाते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, अब तो हमें पता हो गया, तो हम क्या करते हैं 3x का स्क्वायर प्लस के 2 × 3x × 7, ए का मान ये है बी का मान ये है प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के छोटा सी एक्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए और ये बी, ए का स्क्वायर माइनस के 2 × a × b प्लस के 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9x² प्लस का 6 × 7 = 42x प्लस के 49 माइनस के 84x इज इक्वल टू 3 का 9x² माइनस 6 × 42x प्लस के 49। देखते हैं 9x² प्लस के 42x में से 84x जाएंगे तो माइनस के 42 बचेगा, माइनस का भाई माइनस की क्वांटिटी ज़्यादा है ना, तो माइनस के 42x प्लस के 49 इज इक्वल टू 9x² माइनस के 42x प्लस 49। बिल्कुल होगा, ये बराबर ही तो है, देखो बिल्कुल होगा। तो LHS बराबर RHS, LHS इस वाली साइड को क्या कहते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको RHS एंड ट्रू, ये बराबर होता है एज इट इज। इसी तरीके से इसको करते हैं, ए और बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू, ए माइनस बी का और इसको लगा लेते हैं एन पी का स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab होता है ना 2 9p × 5q प्लस 5q का क्यूब, क्यू पी नहीं करना है कि स्क्वायर प्लस के 180 pq बराबर 9p का स्क्वायर प्लस के 2 × 9p × 5q प्लस के 5q का स्क्वायर। देख ला 81p² माइनस 18 × 90 90 pq प्लस के 5 का 25q² प्लस के 180 pq बराबर 81p² प्लस के 18 × 90 90 qp प्लस के 25q². देखना आप 81p², ये किसका है माइनस का और ये प्लस का है, तो प्लस का क्वांटिटी ज़्यादा है ना 180 है, तो 90 pq = 25q² इज इक्वल टू 81p² प्लस के 90 pq, आगे पीछे कर सकते हैं प्लस का 25q². देखो सारी क्वांटिटी बराबर है आपस में, LHS बराबर
आरजेस प्रूफ ये बराबर होता है, ठीक है, आपको बताना है बराबर है या नहीं दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर थ्री हमें दिया हुआ है 4/3 m माइनस 3/4 n का स्क्वायर प्लस के 2 mn। यहाँ पर साइन नहीं दिया हुआ है, मैं माइनस करके देख लेता हूँ पहले, फिर उसके बाद में देख लेंगे हम, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस आएगा या प्लस, बराबर लेके आना है क्योंकि हमें तो n स्क्वायर, ठीक है। तो देखते हैं, यही है 16 9 m² प्लस के, ठीक है। अब देखना a माइनस बी का होल स्क्वायर है, खोल लेते हैं 4/3। ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू, m का स्क्वायर माइनस 2 × 4/3 m इंटू 3/4 n प्लस के 3/4 का n का स्क्वायर प्लस के 2 mn, 4 × 4 = 3 × 3 इज इक्वल टू 16 9 m² प्लस के 9 16 n² 16/9 m² माइनस 2 mn प्लस के 9/16 n² प्लस के 2 mn इज इक्वल टू 16 9 m² प्लस के 9/16 n². देखना प्लस के माइनस के 2 mn प्लस के 2 mn कैंसिल हो गया, सही था, इसका मतलब माइनस ही होगा यहाँ पर। 16/9 m² प्लस के 9/16 n² बराबर 16/9 m² प्लस के 9/16 n² काफ़ी इजी था। क्वेश्चन नंबर फोर भी यहीं पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर हमारे पास में है 4PQ प्लस के 3Q² माइनस के 4PQ माइनस 3Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48 PQ² देख लेते हैं, दोनों को खोल लेते हैं। देखना ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a b देख लेते हैं, इनको खोलते हैं। तो 4PQ का स्क्वायर प्लस 2 × 4PQ गुणा 3Q प्लस के 3Q का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 4PQ का स्क्वायर प्लस के 2 × माइनस कर देना, तो माइनस 2 × 4PQ गुणा 3Q प्लस के 3Q का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48PQ का स्क्वायर। 4 का 16 यानी 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 P² Q² प्लस के 8 24 PQ² प्लस 9Q² अंदर गुणा करो प्लस माइनस माइनस 16 P² Q² माइनस माइनस प्लस 8 24 PQ² प्लस के सॉरी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 9Q² इज इक्वल टू 48 PQ² देखना ये प्लस का पीस 16 PQ² Q² है, ये माइनस का है कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का दोनों कितने हो जाएंगे 48 PQ² और ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, कितना मिल जाएगा 48 PQ² 48 PQ² LHS बराबर RHS इट्स प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव लास्ट है इसका, तो क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव दिया हुआ है a माइनस बी ए प्लस बी प्लस बी माइनस सी और बी प्लस सी प्लस सी माइनस ए सी प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। देखना हमें पता है
हम फॉर्मूला जानते हैं, हम जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर वही फॉर्मूला लग रहा है दोनों के बीच में, देखना a प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी आगे पीछे कर सकते हैं, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस, यहाँ b और c के बीच में बन रहा है वही फॉर्मूला, तो बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस, यहाँ c और a के बीच में बन रहा है तो सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, आता ही नहीं आता, देख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस का है ए माइनस का है, बी स्क्वायर प्लस का ए माइनस का है, सी स्क्वायर प्लस का ए माइनस का है, क्या हो जाएगा जीरो बराबर जीरो, एल एच एस बराबर आर एच एस, एंड प्रूफ, सबसे ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, सर्व समीकाओं के उपयोग से निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सर्व समीका का उपयोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर इसी का 99 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर, फोर्थ 8 का स्क्वायर, फिफ्थ भी देख लेते हैं यहां पर 5.2 का स्क्वायर, 6297 मल्टीप्लाई बाय 303 का, 78 मल्टीप्लाई बाय 82 का मल्टीप्लाई और एड 9.8 का स्क्वायर, यहीं पर 9 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है वो भी यहीं पर देख लेंगे, 10.5 मल्टीप्लाई बाय 9.5, सर्व समीका का उपयोग करते हुए करना है, सारे क्वेश्चन एक साथ ही कर लेंगे, काफी इजीली है। देना 71 को हम क्या लिख सकते हैं, 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, देखना 70 का स्क्वायर प्लस का 2 into a प्लस बी प्लस का a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 7 का 49 0 का डबल 0 प्लस का 7 दुआ 14 0 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, आप जोड़ दे तो 1 4 10 का 0 असल का 1 कितना हो जाएगा, 10 का 0 असल का 1 5 आंसर। नेक्स्ट इसको निकाल लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 का स्क्वायर, अब लगा लो a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, लगा लेते हैं 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 गुणा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना होता है, 4 जीरो लगा दो आप तो 200 माइनस 1, 201 हो गया, माइनस 201 को माइनस कर देते हैं इसमें से, भाई एक केरी लेते जाओ, यहाँ कितना हो जाएगा 9 में से गया 8, 9 में से दो गया 7, सॉरी हमने गलती कर दी, 10 हो गया ना, तो 10 में से एक गया तो 9 बचेगा ना, फिर 9 फिर 7 फिर 9 आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, a का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000 200 400 प्लस के 4 ऐड कर देते हैं तो 0404 आंसर। नेक्स्ट करते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, 1000 माइनस 2 का होल स्क्वायर, देखना इसको थोड़ा ऐसे कर रहा हूँ, 1000 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 गुणा 2 प्लस का 2 का स्क्वायर, देखना 1000 का स्क्वायर कितना होता है, 6 जीरो लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 10 लाख हो जाएगा, माइनस 2 2 दूनी 4 4 को 1000 से करेंगे तो 4000 प्लस के 4, ठीक है प्लस के 4 कर देंगे,
यहाँ हमने एक गलती कर दी, देखें प्लस का वन होगा ना यहाँ, तो प्लस का वन, क्योंकि ए बी स्क्वायर होता ना, तो प्लस का वन करेंगे तो 199 हो जाएगा ना इधर, 199 है ना, 199। तो इसमें हमने माइनस करने में देखना, ये फॉर्मूले में थोड़ा गलती कर दी। अब यहाँ से 10 में से गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 1 गया 8, फिर 9 ये आएगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, ये यहाँ पर करने से पता चला, प्लस 4 करने के बाद में आपको ये माइनस करना है, तो पहले 10 लेके लिख लेते हैं माइनस, इसमें से माइनस करेंगे तो 3996 बचेगा, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, तो देखना ना यहाँ पर आया होगा 4, 9 में से 9 गए 0, फिर 9 में से 9 गए होंगे 0, फिर 9 में से 3 गए होंगे 6, फिर यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9, ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यहीं पर, 5.2 का, तो देखना इसको क्या लिख सकते हैं, 5.0.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस के 2 × 5 × 0.2 प्लस के 0.2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस के 10 को 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, बट पॉइंट है ना, तो 10 जिससे 0.2 को 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.0 हो जाएगा, यानी 2 प्लस के 0.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पॉइंट भी 0.4, बस 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 2 डिजिट का पॉइंट लगेगा, ये हो जाएगा हमारा 27.04, कितना हो जाएगा, 27.04। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब इसको देखना क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 300 माइनस के 3, इसको क्या लिख सकते हैं 300 + 3, देखना a माइनस बी और a प्लस बी, a का मान कितना है 300 का स्क्वायर, b का मान 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 0 का 00 माइनस 9 का स्क्वायर 9, अब 3 का स्क्वायर सॉरी 9 को इसमें से घटा देंगे तो हमारा ये स्क्वायर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, तो 9 घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1, फिर 9 इधर क्या 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये वाला, इसको क्या लिख सकते हैं 80 - 2 और इसको 80 + 2, ए माइनस बी और ए प्लस बी डायरेक्ट लगा दो, 80 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 0 का 00 माइनस 4 घटा देते हैं 6 9 3 6 कितना आ जाएगा 6,396, 8.9 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 9 - 0.1 का स्क्वायर, देखना तो 9 का स्क्वायर कितना होता है माइनस 2 × 9 × 0.1 प्लस के 0.1 का होल स्क्वायर, 9 का 81 माइनस 18 को पॉइंट 18 से कर 0.818 हो जाएगा, भाई 18 को पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 18 × 0.1 तो ये 18 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.1 डिजिट पे लग जाएगा 1.8 प्लस 0.1 का स्क्वायर, तो कितने डिजिट पे चला जाएगा 0, 2 डिजिट पर, इसको प्लस करना है तो उसको प्लस करेंगे तो हम कैसे करेंगे, इसको तो प्लस इसमें करेंगे 81.01 माइनस 1.8, अब देखना इसमें से 8.01 को 1.8 माइनस करना है, तो 1.8 माइनस करेंगे तो 1 में से 8 गया तो 10 में से 8 गया तो 2 पॉइंट, फिर कितना 10 में से 1 गया 9 और 7 कितना बचेगा 7 9.21 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका लास्ट देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 10 + 0.5, इसको क्या लिख सकते हैं 10 - 0.5, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होगा 10 का स्क्वायर
माइनस 0.5 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा इसके बाद देखना, 100 माइनस 0.25, बट 0.2 डिजिट पे चला जाएगा, कैंसिल होगा 99.75 कैंसिल होगा, तो कितना आएगा भाई, माइनस करके देख लेते हैं, 100 में से 0.25 माइनस हो गया, 5799 आंसर 99.75। ठीक है, काफ़ी इजीली हमने इसको कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इजीली था, वन टाइम में हमने सारा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 6 तो कर लिया हमने, देखना ए स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर इसका 51 का स्क्वायर माइनस के 49 का स्क्वायर, 1.02 का स्क्वायर माइनस 0.98 का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है इसका 153 का स्क्वायर, 147 का स्क्वायर, 4 क्वेश्चन 12.1 का स्क्वायर माइनस के 7.9 का स्क्वायर, काफ़ी इजीली डायरेक्ट रख देते हैं। देखना ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में सभी में यही दिया हुआ है, सारा मान रखना है बस। तो 51 प्लस के 49 गुणा 51 माइनस के 49 कितना आएगा, 100 गुणा 2 यानी 200। नेक्स्ट देखते हैं, 1.02 प्लस के 0.98 और 1.02 माइनस 0.98 कितना हो जाएगा, 2 गुणा इसको करेंगे 0.04 मल्टीप्लाई कर देंगे 0.08 आंसर। नेक्स्ट करते हैं इसको, भाई ये कैसे किया ये देख लेते हैं हम, इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा आपको, इसको घटाएंगे 0.02 में से 0.98 को घटाएंगे, 12 में से 4, 9 में से 0 और 0 बच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये वाला किया। नेक्स्ट करते हैं माइनस 147, आगे पीछे कर सकते हैं आपको, क्योंकि गुणा ही तो करना है, 153 प्लस के 147, इसको जैसे ही माइनस करेंगे कितना बचेगा, 6 गुणा इसको जैसे ही प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 300 छेती 1800। नेक्स्ट इसको करते हैं 12.1 प्लस 7.9 और 12.1 माइनस 7.9 प्लस कर रहे हैं, प्लस करेंगे तो ज़्यादा होगा ना, तो 9, 10 का 0 असल का 1, 10 का 0 असल का 1, 2 कितना हो गया, 20 गुणा अब इसमें से माइनस कर रहे हैं 12.1 7.9 को माइनस कर रहे हैं, 11 में से 9 गया 2, अब 11 में से 7 गया 4, 4.2 अब यहाँ पर कितना होगा, 20 गुणा 4.2 पहले गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा करते हैं 4 बार, 0 तो एजिटी लिख देते हैं, फिर 2 से गुणा करेंगे 8 बार, पॉइंट लग जाएगा तो 84 आंसर, भाई वन डिजिट पे पॉइंट लग रहा है ना, 84 आंसर, काफ़ी इजीली हमने इसको कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के ए प्लस बी का x से मल्टीप्लाई
प्लस के ए बी का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। यह हमें ज्ञात करना है 103 गुणा 104, सेकेंड दिया हुआ है 5.1 गुणा 5.3 5.2, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 103 गुणा 98, फोर्थ यहीं पर ले लेते हैं बीच में 9.7 गुणा 9.8। भाई इसमें कन्वर्ट करना है ना आपको, तो सबसे इजीली कर लेते हैं भाई। इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3, इसको 100 प्लस 4, एक्स का मान देखो सेम है दोनों में, तो क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस के 3 प्लस 4 गुणा 100 प्लस के गुणा 3 इंटू 4 कर दो, प्लस का कितना हो जाएगा 7 को इंटू करेंगे 100 से, तो 700 प्लस के 38 12, जोड़ देते हैं 712 01 आंसर। नेक्स्ट कर लेते हैं इसको 5 प्लस 0.1 और 5 प्लस 0.2, तो x का मान सेम है 5 का स्क्वायर प्लस के 0.1 प्लस 0.2 का मल्टीप्लाई बाय 5 से प्लस के 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.2 25 प्लस के, इसको जब ऐड करेंगे 0.3 को 5 से मल्टीप्लाई करो भाई, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 या 15 तो पॉइंट लग जाएगा 1 डिजिट पे, प्लस पॉइंट लग जाएगा ना 2 को 1 से करेंगे 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ऐड करना है तो 2 5 1 26 में हो जाएगा 26, ये ऐड करना मैं बता देता हूँ 25 1.5 और 0.02 ये लगा दिया 2 5 6 2, ठीक है। इसी प्रकार से इसको करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस के 3 और इसको 100 माइनस 2, देखना x का मान सेम है तो 100 का स्क्वायर प्लस का 3 माइनस 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू माइनस के 2, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 प्लस का 100 एक बचेगा, एक को 100 से करेंगे 100 ही आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस के 6, अब इधर कितना हो गया 0 0 1 0 0 माइनस के 6 घटा देते हैं 0 0 भाई 100 में से 6 जाएगा 94, कितना आ जाएगा 10,094 यानी 10,094। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसको क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 0.3, इसको 10 माइनस 0.2, 10 सेम है तो 10 का स्क्वायर प्लस -0.3 -0.2 का गुणा 10 से प्लस 0.3 माइनस गुणा माइनस का 0.2 से गुणा करते हैं, 10 का स्क्वायर 100 प्लस सॉरी ये प्लस माइनस से हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 0.3 कितना 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 भी है अभी, प्लस माइनस माइनस प्लस ही रहेगा, 0.3 को 0.63 से करेंगे 0.6 आ जाएगा, 0.2 डिजिट पर चला जाएगा। अब 100 माइनस 5 को 10 से गुणा कर रहे हैं 0.5 को, तो कितना हो जाएगा 5 पॉइंट हट जाएगा भाई 10, ये पीछे किसका देगा पॉइंट को, प्लस 0.06। अब देखना ये कितना हो जाएगा 100.06, इसमें से 5 माइनस करने तो 0.59 कितना मिलेगा 95.06 आंसर, ठीक है। काफ़ी इजीली हमने इसको कंप्लीट कर लिया, इस प्रकार से हमने 9 पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है, काफ़ी इजीली आपको ये समझ में आया होगा, ओके।